मुजफ्फरनगर में गिरी मकान की छत, एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आई जहां पर 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। तकरीबन 20 मजदूरों के दबे होने की खबर है। मौके पर राहत बचाव का काम, मकान जानसठ थाना क्षेत्र की यह घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक जताया है और इस हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। मौके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल यहां पर एक इमारत बनाई जा रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया। लेंटर ऊपर चढ़ाया जा रहा है। 20 मजदूर जो कि काम कर रहे थे इस जगह पर, वो मलबे के नीचे दब गए हैं। लेंटर का काम चल रहा था, 8 लोगों को निकाल लिया गया है। देखिए यही घटना स्थल है, मैं इस समय घटना स्थल पर पहुंच चुका हूं और ये नेशनल हाईवे है पूरा, पानी पानी का खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ का हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ भी मौजूद है जहाँ पर हादसा हुआ है। हादसा है और आप राहत और बचाव कार्य चल रहा है, वो लेंटर को उठा रही है, उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसके जो इसमें जो लोग दबे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सारी पूरी टीम और स्थानीय लोग भी अब चारों तरफ से दूर से कैमरा से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, किस तरह से जेसीबी भी लगी हुई है और जेसीबी के साथ साथ जो जो कटर मशीन जो गैस से गैस कटर मशीन से लेंटर काटा जा रहा है ताकि इसके अंदर जो दबे लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी यह कहना बेहद मुश्किल है कि आखिर इस राहत और बचाव कार्य में कितना समय लगेगा और कितने लोग इसमें दबे हुए हैं, कितने वक्त के बाद इनको निकाला जाएगा। लेकिन हम दुआ करेंगे कि इसमें जितने भी लोग दबे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाए और सकुशल रहें। बिनेश पवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिनेश, क्या खबर है वहां पर, रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी लोगों को बाहर निकाला गया क्या? देखिए निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का आज का ये बहुत बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, जिसमें अभी तक ये तो पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इसमें कितने लोग दबे हुए थे, मगर स्थानीय लोगों की बात करें तो कोई इसमें 40 मजदूर बता रहा है तो कोई 20 से अधिक मजदूर बता रहा है। क्योंकि ये दो मंजिला जो अब पूरी जो यहाँ घटना स्थल पर आकर जानकारी मिली है, ये दुकान थी, मार्केट थी दो मंजिला, और जो ये हाईवे है नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये निर्माणाधीन है, बन रहा है। और चूंकि जब हाईवे ये दोबारा से अभी बन रहा है तो ये ऊंचाई पर उठाकर बनाया जा रहा है, जिस वजह से साइड की जो दुकानें और मकान है वो नीचे गहराई में आ गए। तो निश्चित तौर पर इसी सोच के साथ ये लेंटर उठाया जा रहा था कि हाईवे को के समय बराबर करने के लिए, समतल करने के लिए लेंटर को उठाने का कार्य चल रहा था, और उसी में जो कर्मचारी थे, जो यहाँ मजदूर थे, वो सब इसी में गिर गए। दो मंजिला जो ये मार्केट थी, दुकानें थी, इसी में सब दब गए। 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, अभी 20 से भी ज्यादा इसमें दबे हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी यहाँ बुला ली गई है, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है ताकि घायलों को बाहर निकाला जा सके और तत्काल उनको स्वास्थ्य संबंधित जो ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा सके। जी विनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ा हादसा है ये, आप नजर बनाकर रखिए। इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी मशीनें इस वक्त मौके पर मौजूद है ताकि जल्द से जल्द मलबा को हटाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, लापरवाही जरूर यहां पर बरती जा रही होगी जिसका खामियाजा एक हादसे के रूप में और 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 8 लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू अभी जारी है। आगे भी जानकारी इस हादसे को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उधर राजस्थान के सीकर में भी बड़ा हादसा हुआ जिसमें मेरठ के एक ही परिवार के 5 लोग जल गए। कुल 7 लोगों की मौत हुई है जिनमें 5 लोग एक ही परिवार के हैं, यूपी के मेरठ के। बताया जा रहा कि मेरठ का ये परिवार सालासर से लौट रहा था और उसी वक्त फतेहपुर बाईपास पर ट्रक से टकरा गया। रुई लदी हुई थी इस ट्रक में, जिसके बाद कार से निकली चिंगारी ने ट्रक और कार दोनों को ही आग की चपेट में ले लिया। इस हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में दंपति, उनके 2 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला थी, उन 5 की जान चली गई। 2 और लोग इस हादसे में 2 और लोगों की जान गई है। अगली खबर बदायूं से, कल आदित्य यादव कर सकते हैं नामांकन। एसपी से आदित्य भर सकते हैं नामांकन। कल दोपहर 2 बजे नॉमिनेशन हो सकती है। एसपी ने शिवपाल यादव को यहां पर प्रत्याशी बनाया, लेकिन बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं शिवपाल यादव। अभी आदित्य का नाम पार्टी की ओर से फाइनल नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कल 2 बजे आदित्य यादव नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं।
समाजवादी पार्टी की दुविधा देखिए। शिवपाल यादव को पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन शिवपाल यादव लड़ना नहीं चाहते बल्कि अपने बेटों को यहां से लड़ाना चाहते हैं। वो पूरी तरह से दावे कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान को इस बात की जानकारी है और पार्टी आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान आदित्य के नाम का नहीं हुआ है। ২০২৪ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इसी के साथ पिछले 10 साल के वादों को और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 5 बड़े वायदे किए। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाए जाने की बात हुई। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी अब आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा किया। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू की जाएगी। ये वायदे बीजेपी के संकल्प पत्र में। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत के लिए है। बीजेपी का मिशन देश में तेजी से विकास करना है। वो विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इधर मैनिफेस्टो को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह देश को विकसित बनाने के संकल्प की गारंटी है। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। 2004 से लेकर 14 तक जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला था, इन्हीं इंडी गठबंधन के लोगों की सरकार थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी। देश
रसातल की तरफ जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा था, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय मोदी जी ने देश को देने के सामने काम किया है। गरीब हो चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, यानी सबका साथ सबका विकास का जो एक अस्पष्ट स्वरूप इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा गया है, मैं उसके बारे में इतना ही कहता हूँ। समुद्र की तरह गहरा है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है, आकाश से भी अधिक ऊंचा है जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती है। तो हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को बनाने वाला भारत, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला भारत, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने वाला भारत, मतलब कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा है जिस क्षेत्र में कोई कमी रह जाए, ऐसा नहीं छोड़ा। इधर आगरा से बीजेपी प्रत्याशी ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि अब विपक्ष भी मोदी की गारंटी को मानने लगा है, हमने 2014 में जो वायदे किए थे उसे पूरा किया और आगे भी वादों को पूरा करेंगे। 14 के चुनाव में मोदी जी जब प्रधानमंत्री घोषित हुए थे तो जो मैनिफेस्टो था 19 आते आते उसको लगभग पूरा कर दिया गया, और जो योजनाएं अच्छी जो दीर्घकालीन है वो तो हमेशा अगले घोषणा पत्र में भी शामिल होंगी, जैसे आज आवास को बढ़ा दिया गया है, आयुष्मान में मॉडिफाई किया गया है, इसी प्रकार से और ज्यादा गरीबों को लाभ मिल सके तो उसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। फिर 19 में जो मैनिफेस्टो था वो 24 तक पूरा किया है, और ये संकल्प है जिस घोषणा पत्र सब जैसे जनता उठ चुकी है, इसको संकल्प, संकल्प मतलब देखो जब हम पूजा करते हैं तो संकल्प लेते हैं हाथ में जल रख करके, और ये संकल्प लिया गया है कि जो कहा है उसको करेंगे। और अब तो देखो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे राजनीतिक दुश्मन भी एक बात को मानने लगे हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। इस देश में एक ही नेता ऐसा है, अगर उसने कह दिया है तो उसकी गारंटी की गारंटी वो खुद ले लेते हैं। मैनपुरी से सांसद और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झुंझुना करार दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में किसान, युवा, महिलाएं सभी परेशान हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ झुंझुना है, किसी को कोई फायदा इससे नहीं होने वाला। घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूंगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा, लेकिन यह बस झुंझुना है। और जनता और जो हमारा युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से त्रस्त है, हमारा जवान, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, सब लोग बुरी तरह से सरकार से त्रस्त है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर जनता भरोसा नहीं करने वाली है, बीजेपी ने पहले भी कई वायदे किए थे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया, तो अब पब्लिक भरोसा नहीं करने वाली। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसको कैसे देखते हैं सर? बीजेपी के संकल्प पत्र पर अब कोई भी भारत की जनता विश्वास करने वाली नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, हम गरीबों को 15-15 लाख रुपए देंगे या 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन वो सब छलावा निकला। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार के और लोग ठगे गए हैं, तो इसलिए फिर से बीजेपी के बहकावे में इस देश की जनता आने वाली नहीं है। और बीजेपी के घोषणा पत्र पर गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है ये आपको सुनाते हैं। मोदी जी अक्सर चाय पर चर्चा करते हैं, यहाँ भी तमाम ये लोग हैं जो चाय पीने आए थे और मैंने यहीं पर ही इनसे बात करने की कोशिश की है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सूरज। सूरज जी, जो घोषणा पत्र आया है उसमें कुछ एक बातें कही गई हैं, आपको लगता है भाजपा जो कहती है वो करती है, जो घोषणा पत्र में कहा गया वो सही रहेगा? जितना कहती है उतना शायद नहीं कर पाती, कोई कारण रह जाते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से काफी कुछ विकास कर रही है भाजपा और वोट हमें भाजपा को ही करना चाहिए। अच्छा,
मोदी जी ने खुद घोषणा पत्र को जो है जारी किया, उनके साथ जेपी नड्डा भी रहे, तमाम लोग रहे, उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण में बात करेंगे, शौचालय और ज्यादा बनाएंगे। लगता है कि अभी तक जो बीते 10 सालों में काम हुआ है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, जो अब तक हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। कुछ एक उपलब्धि जो है सरकार की आपको अच्छी लगती है? बदमाशी खत्म कर दी, बदमाशी खत्म कर दी, यूपी से बदमाशी खत्म कर दी। अच्छा। और सड़कें देख लो, जिस जगह पे मान लो यहाँ से बालाजी जाना, हमें रात तक पहुँचते थे, अगले दिन आते थे, अब सुबह जाते हैं शाम को अपने घर आ जाते हैं। कोई सा हाईवे आप उठा लो, यहाँ से बाहर निकलो, कोई सा हाईवे उठा लो, हाईवे पे काम किया है लोगों को कहना है, गाजियाबाद की जनता है और कह रही है कि हाईवे पे काम किया है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा। द मुरादाबाद में INDIA गठबंधन उम्मीदवार रुचि वीरा की रैली में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में बड़े स्तर पर बदलाव की लहर है, भाईचारा, किसान, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी चुनाव लड़ रहे हैं। 45 साल के राजनीति की सर लगातार आप रैलियां कर रहे हैं, किस तरह का माहौल दिख रहा है, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए पूरे राहुल गांधी के नेतृत्व तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की ओर देख रही है। इंडिया गठबंधन ना ही सिर्फ प्रदेश स्तर पर, लेकिन मुझे खुशी है कि जिन 80 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 17 पर कांग्रेस के और 63 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बेहतर समन्वय के साथ हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी विश्वास में लेकर एक बहुत मजबूत चुनाव हर लोकसभा में लड़ा जा रहा है। और निश्चित करने के लिए, इस चीज़ को आश्वस्त करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम बहुत ही मजबूती के साथ हरा सकें, उसे शिकस्त दे सकें। सर जैसा कि आपने कहा कि ऊपर तो गठबंधन हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बूथ स्तर पर गठबंधन, वो कितना बड़ा चुनौती है? देखिए इसी चीज को लेकर यही मैंने कहा कि बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत बेहतर गठबंधन है। मैं खुद स्वयं इन 80 लोकसभा सीटों पर मैं जा रहा हूं, मेरे साथ में मेरे जितने भी सहप्रभारी वो भी जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी अलग अलग लोकसभा की दी गई है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं होगी कि जहां कांग्रेस एक किंचित मात्र भी पीछे रही हो इस गठबंधन को सही मायने में विजयी बनाने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।